दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। NISDLED के कोर्स 507 के आंसर्स में MCQ आंसर आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो उसमें आप लोगों को यहां पर जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं एक एक करके मैं बताते जा रहा हूं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका कि आंसर मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, MCQs का खास करके। हालांकि सारे क्वेश्चन अपने शॉर्ट नोट से थे, अगर आप लोग शॉर्ट नोट से मिलाएंगे तो आपको सारा आंसर वहीं पर दिख जाएगा, लेकिन आप लोगों ने बताया तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पर सेट जो भी है, ये सेट सी कहा जा रहा है। और आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ईमेल पे, क्वेश्चन पेपर भेज के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हेन डिड द आरटी एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स इनटू इंडिया। तो आरटी एक्ट कानून 2009 जो है वो कब लागू हुआ था। तो डायरेक्ट आपके शॉर्ट नोट्स में ये था आपका, ये बेसिकली अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 इसका करेक्ट आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एज ए एलिमेंट्री स्कूल टीचर व्हाट विल बी योर बेस्ट स्ट्रेटजी टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी टू इन इम्प्रूविंग योर स्कूल क्वालिटी। मतलब कि एक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय की गुणवत्ता को सुधारने में समुदाय को सम्मिलित करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी। तो यहाँ पर है कि समुदाय से मिलेंगे और विद्यालय के दान देने के लिए बोलेंगे, तो ये प्रिफरेबल नहीं होता है कि आप उनसे पैसा मांगने जाएं डायरेक्ट। दूसरा होता है कि स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, वो भी विद्यालय की गुणवत्ता नहीं सुधरी। तीसरा है कि समुदाय सदस्यों से मिलना और उनके लैंगिक गुणों को बढ़ाना, तो समुदाय के लैंगिक गुणों को बढ़ाना तो बिल्कुल ये नहीं करना है। और चौथा यहाँ पर है कि समुदाय को विद्यालय क्रियाकलाप के नियोजन और प्रबंधन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, तो बिल्कुल डी इज़ द करेक्ट आंसर कि समुदाय को जो है वो विद्यालय के अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से VEC के क्या काम है, ठीक है ना। तो ये VEC बेसिकली आपका जो ये ग्राम शिक्षा समिति होता है, तो विलेज एजुकेशन कमेटी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है नामांकन अभियान का निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में निर्माण गतिविधियों की निगरानी करना, तीसरा है विद्यार्थी और शिक्षा शिक्षक की अनुपस्थिति की जांच करना। तो ऑब्वियसली ये नामांकन अभियान या जो विद्यालय में एक्टिविटीज़ होगी या जो शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं वो सारा कुछ जांच करना आपके शॉर्ट नोट्स में बताया गया था। चौथा है कि शिक्षक को वेतन प्रदान करना, वेतन ये प्रदान नहीं करते हैं, ग्राम शिक्षा समिति वेतन प्रदान नहीं करते हैं, तो ये वेतन का मामला ये इनके पास नहीं रहता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन होगा क्योंकि आपको पूछ रहा है कि कौन सा प्रमुख कार्य नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21A आपको गारंटी देता है, तो इसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से शॉर्ट नोट्स में बताया है, तो 21A विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यहाँ पर कौन सा थिंकिंग स्किल नहीं है, चिंतन कौशल कौन सा नहीं है। तो स्व जागरूकता, निर्णय निर्माण, समस्या समाधान या आलोचनात्मक चिंतन। तो निर्णय निर्माण मतलब निर्णय लेना, समस्या समाधान या आलोचनात्मक चिंतन, ये आपका चिंतन कौशल है, लेकिन स्व जागरूकता आपका चिंतन कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका स्व जागरूकता विलविदा, हालांकि ये जीवन कौशल है, लेकिन जीवन कौशल के 3 पार्ट है ना, तो ये सामाजिक में आता है, ये चिंतन कौशल में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से लोक जुम्बिस परियोजना कब हुई। हमको लगता है करीबन 15 से 20 बार ये क्वेश्चन हम लोग कराए होंगे। तो लोक जुम्बिस परियोजना जो है, लोक जुम्बिस परियोजना राजस्थान में हुई लागू, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन सी विशेषता शिक्षण व्यवसाय नहीं है। तो इसमें से कौन सी विशेषता है जो शिक्षण व्यवसाय नहीं है, इसमें स्वयं का व्यावसायिक संगठन है, या यह सामाजिक सेवा करता है, समाज की सेवा, या इसमें आचार संहिता सम्मिलित है, या इसमें लघु अवधि का प्रशिक्षण होता है। ऊपर वाला तो ठीक है कि व्यावसायिक संगठन है या समाज सेवा आचार संहिता है, लेकिन इसमें लघु अवधि का प्रशिक्षण नहीं होता, इसमें बहुत लंबा प्रशिक्षण होता है। तो वो प्रशिक्षण जैसे कि DLED 2 साल का, इस प्रकार से प्रशिक्षण होता है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा कि ये शिक्षण व्यवसाय नहीं है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेवारत प्रशिक्षित मॉडल में प्रशिक्षण स्तर या टायर प्रणाली में प्रदान किया जाता है, ये किस मॉडल में, आमने सामने मॉडल, विभाजन या कैस्केड या दूर शिक्षा प्रणाली। हमने आपको बताया था 3 तरीके का मॉडल होता है, तो उसमें जो कैस्केड मॉडल होता है उसमें यहाँ पर जो है प्रणाली पर, टायर प्रणाली पर, श्रेणी के रूप में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कैस्केड मॉडल विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों ने, जिनका भी ये क्वेश्चन आया होगा, बिल्कुल सारा करेक्ट मारे होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जिसका कि आपको शॉर्ट नोट्स में लाइन नहीं दिया हुआ है।
आप लोग जरूर बताइए आप लोगों का कितना सही हुआ, और आगे जो भी क्वेश्चन आते रहेगा उसका भी आंसर मैं आपको देते रहूंगा। और 508 से 510 की बुक रिलीज हो गई है, जैसा आप लोग जानते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और अभी ऑफर में चल रही है जो कि 200 में ही मिल रही है 300 के बदले। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है, और इसमें बिल्कुल इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ डाला गया है। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।